फ्रेंड्स, यहाँ पर पेड़ा बनाने के लिए मैंने लिया है तकरीबन ये देखिए 2 कप के करीब दूध, जिसे मैंने डाल दिया कढ़ाई में। और ये देखिए 1/2 किलो के करीब खोया है, तो हम डाल देंगे सब। और हल्की आँच पे, मतलब लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे चलाते रहेंगे। डाल रहे हैं 2 छोटे चम्मच। इसमें थोड़ी सी ब्राउन भी मिली हुई, ब्राउन शुगर भी इसमें, वाइट एंड ब्राउन दोनों मिक्स करेंगे अच्छे से। चीनी डाल से इसका कलर भी चेंज होगा, भूनते भूनते थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो जाएगा। दोस्तों, मीडियम फ्लेम पर मैं इसको कंटिन्यूसली चलाते रही हूँ, लगातार चला रही हूँ और इसको देखिए भुनाई कर रही हूँ। दूध जो था वो सारा खुश्क हो गया है और चीनी भी मेल्ट अच्छे से हो गई है। उसके बाद मैंने खूब अच्छे से इसकी भुनाई कर रही हूँ। अभी थोड़े से देखिए कलर भी इसका डार्क होने लगा है, थोड़ा सा और डार्क करेंगे, फिर हम इसको निकाल के हल्का से ठंडा करने के बाद पेड़ा बना देंगे। दोस्तों देखिए, यहाँ पर काफ़ी है, देखिए चलाते चलाते पैन भी छोड़ने लगा ये खोया। बस 1-2 मिनट और चलाएंगे इसे, चाहे तो हाई फ्लेम कर लीजिएगा और जल्दी जल्दी चलाते हुए इसे भुनाई कर लीजिएगा। 1-2 मिनट और अच्छे से भुनाई करनी है हाई फ्लेम पर, और कंटिन्यूसली आपको स्टर करना है, छोड़ना नहीं है। बस ये रेडी है, इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, इसके पेड़े बनाएंगे। इसको कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे और जब देखेंगे कि टच होने लगा है हाथ और आप बना सकते हैं पेड़, तब हम बनाएंगे। तो इसको ऐसे छोड़ देंगे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। देखिए दोस्तों, इतना ठंडा हो गया कि हम हाथ लगा सकते हैं, पेड़ बना सकते हैं। तो लेके थोड़ा सा हाथों में, और मैं आपको एक बनाती हूँ, फिर मैं आपको और ये रख लिया हमने, और ये पिस्ता है, पेस्ट से थोड़ा सा हम डेकोरेट कर देंगे। इस तरह हमें सब बना देने हैं, ज़रूरी नहीं कि गोल हो, आप कोई से भी शेप बना सकते हो। इसको फ्रिज में रख देंगे 1/2 घंटे के लिए। ये देखिए कहाँ बनाने हैं हमें सब। देखिए सारे पेड़े बना लिए, इसे मैं फ्रिज में रखने जा रही हूँ 1 घंटे के लिए, तभी थोड़े से हार्ड हो जाएंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसका रिजल्ट। देखिए दोस्तों, इसी चीज़ से हम मिठाई कैसे बनाएंगे मैं आपको बताती हूँ। ये मिठाई बनाने की ट्रे है मेरे पास मिनी साइज की, इसे मैंने ऑयल लगा के और स्टिक कर दो एक बटर पेपर, इसमें हमें सारा खोया डाल देंगे, लेकिन थोड़ा गर्म होना चाहिए ताकि थोड़ा सेट हो जाए, हल्का सा गर्म रखिएगा इसके लिए, मिठाई के लिए। फैला लीजिएगा, ठंडा हो गया है हल्का सा, इसलिए मैं हाथ लगा पा रही हूँ। जितने बड़े आपको चाहिए पतले उतने आप कर लीजिएगा। बस इसको हम दबा के रख देंगे फ्रिज में थोड़ा सा कट लगा के 1 घंटे के लिए, और उसके बाद हम निकाल के इसके पीसेस निकालेंगे। अभी लगा देंगे, वरना फिर जब ठंडा हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा इसको काटना, तो अभी हम कट लगा के छोड़ देंगे इसे। इसे भी मैं रख दूँगी फ्रिज में 1 घंटे के लिए, फिर दोनों के रिजल्ट दिखाऊंगी, पेड़े के भी और मिठाई के भी। ये देखिए तो फ्रेंड्स, हार्ड हो गए ये, देखिए कितना हार्ड हो गए, लेकिन कितने ईजीली निकल रहे हैं ये देखिए। तो 1 घंटे आपको फ्रिज में रखना है इसे, और उसके बाद ये खाने लायक हैं। वैसे तो बनाते बनाते मैं भी 2-3 खा गई इसके, बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को,
और इससे आप मिठाई भी बना सकती हैं, पेड़े भी बना सकते हैं। तो मैं आपको एक करके दिखाती हूँ, देखिए बाहर। के दोस्तों, खोए से हमने बनाए पेड़े और उसी खोए से बनाए हमने ये मिठाई। तो ये दो तरह से आप प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, या तो आप पेड़े बना सकते हैं या फिर मिठाई। और ये रहा फाइनल लुक। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे ऐसे ही क्विक एंड ईजी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सी यू सून।